अब हम बात करेंगे द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कैसे बिहेव करती है ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से यहाँ पे हमारा क्या मतलब है, पहले हम वो समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसे समझने के लिए लेट सपोज मैं यहाँ पे एक कंडक्टर ड्रॉ करता हूं लाइक दिस। लेट सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और यह कंडक्टिंग वायर है लाइक दिस। सो इस वायर के अक्रॉस हमारा जो करंट फ्लो करेगा, सो उस करंट में बेसिकली ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट आई थ्रू दिस वायर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसे बिहेव और रिएक्ट करेगी, दैट वी विल गोइंग टू सी इन दिस। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट यहां पे जो हमारा पहला पॉइंट है वो कहता है दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जनरेट होगी वो बेसिकली कैसी होगी, इन अ फॉर्म ऑफ अ कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक का मतलब समझते हैं आप, वी हैव लॉट्स ऑफ सर्कल्स लाइक दिस 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 हैविंग अ सेम सेंटर। अगर मैं इधर से यहां का वो देखूं कि सेंटर से जो सबसे बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या है, तो वो भी आर होगा। उससे सेकंड लास्ट देखूं तो भी उसका आर होगा, थर्ड लास्ट देखूं तो भी आर होगा, और फोर्थ लास्ट देखूं तो वो भी आर होगा। सो वी हैव आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर। सो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रेडियस आ गए ड्यू टू द डिफरेंट डायमीटर ऑफ एवरी सर्कल। हर सर्कल का डायमीटर अलग है, इसलिए वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेडियस, बट उन सभी का सेंटर जो है वो एक सिंगल है, दैट इज दिस। सो जो सेंटर है वहीं से हम रेडियस मेजर करते हैं। सो ऐसा सर्कल, ऐसा सीरीज ऑफ सर्कल जिन सभी का सेंटर सिंगल हो उनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक मीन्स हैविंग अ सिंगल सेंटर। सो यहां से हमें ये बात पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अराउंड अ स्ट्रेट वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कैसे होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती हैं। ठीक है जी, हमने मान लिया। फिर जो सेकंड पॉइंट हमारा यहां पे आया उसमें बताया दैट द कंडक्टर्स आर लोकेटेड एट देयर सेंटर। अभी हमने क्या बात करी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की वो कैसी होंगी, कॉन्सेंट्रिक होंगी, हैविंग अ सिंगल सेंटर। बट जो सेकंड पॉइंट है उसमें वी विल से कि कंडक्टर्स आर लोकेटेड एट द सेंटर, मतलब जो हमारा कंडक्टर होगा वो भी इधर ही होगा, जो भी सेंटर होगा कंसेंट्रिक सर्कल का वहीं पर हमारा कंडक्टर भी होगा। सो दैट्स द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट सेज अ प्लेन ऑफ दिस कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ये जो हमारी प्लेन होगी कंसेंट्रिक फील्ड लाइंस के अराउंड वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी टू द कंडक्टर। और कंडक्टर हमारा कहां पे है, द कंडक्टर इज एट लोकेटेड एट द सेंटर। सो अगर मैं आप लोगों को बेस्ड ऑन दिस थ्री क्राइटेरियाज जो अभी हमने जस्ट डिस्कस करे, इस करंट कैरिंग वायर और आप कह सकते हैं कंडक्टर को इमेजिन करने के लिए बोलूं, तो आप किस तरीके से इस पे बेसिकली डिफाइन करोगे कि किस तरीके से इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी हमारी, लेट्स सी। सो सबसे पहले जो चीज होगी वो होगी कि एक प्लेन, हमारा जो कंडक्टर होगा वो एक प्लेन में लाए करेगा लाइक दिस। ठीक है, अब हमारा कंडक्टर एक प्लेन से पास कर रहा है, ओके, एंड इसके थ्रू एक करंट फ्लो कर रहा है जो है आई। ओके, आई इज द करंट। सो जो हमने तीन रूल्स अभी जस्ट देखे
तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर, सो आप कैसे बताओगे कि जो फर्स्ट पॉइंट था दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लाइक दिस. Your magnetic field lines are like a concentric circles. So these are your concentric circles. Or the second point is that the conductor is at the center. कंडक्टर है वो हमारा कहां पे लाया करता है, वो हमारा लाया करता है सेंटर पे. एंड जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं उनका जो सेंटर है वो भी कहां पे है, जिस पॉइंट से हमारा क्या पास कर रहा है, कंडक्टर. सो जो कंडक्टर है और जो पॉइंट है, पॉइंट सेंटर पॉइंट ऑफ दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो एब्सोल्यूटली सेम है. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट ये कंडक्टर प्लस ये प्लेन, दीज टू थिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये मैंने अभी बोर्ड पे इस तरीके से ड्रॉ करा है, बट अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं, तो लेट सपोज ये हमारी प्लेन है और इसके थ्रू जो हमारा कंडक्टर है वो ये चौक है, और जो चौक है इस प्लेन के थ्रू ऐसे पास कर रहा है. सो जो कंडक्टर और प्लेन के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री. सो दिस एंगल between the conductor and the plane is 90 degree, so it is perpendicular. So अगर आपको कोई भी पूछे कि एक straight carrying conductor के along जिसमें current flow कर रहा हो magnetic field lines हमारी कैसे होगी, then you have to remember three things. First of all वो कैसी होगी, concentric होगी. सेकेंड थिंग दैट द कंडक्टर इज एट द सेंटर, जो भी सेंटर होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का उसी सेंटर पे हमारा कंडक्टर भी लोकेट करेगा. एंड थर्ड थिंग दैट द कंडक्टर एंड द प्लेन, प्लेन कौन सी प्लेन, जिस प्लेन में वो कंडक्टर बेसिकली पास कर रहा है, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इन सिंपल वर्ड्स कि उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. So this is the magnetic field lines through a straight, through a current carrying straight conductor. Okay. So that की जो current carrying wire के along अगर हम magnetic field find out करने का सोचें या देखें, तो we will get to know that you that is in the form of concentric circle. वो कैसे होती है, concentric circle की form में होती है. टू वेरीफाई दिस हमने यहां पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, और यू कैन से इट इज अ एक्टिविटी जो कि हमने परफॉर्म करी है, जिसमें कि हमने क्या करा है, दैट सेवरल कंपास नीडल्स आर प्लेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ली और उस पर कुछ कंपास रख दिए. अ लॉन्ग वायर इज पासिंग एट द सेंटर. ओके, एक लॉन्ग वायर है जो पास कर रही है सेंटर से व्हेन देयर इज अ नो करंट सिचुएशन लाइक दिस. ये आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसके थ्रू हमने एक वायर पास ऑन कर रखी है, एंड द वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, दैट दे आर मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द प्लेन. ठीक है, उसी के अलॉन्ग हमने कुछ कंपास प्लेस कर रखे हैं यहां पे, दिस इज द कंपास इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल. जो एक इमेजिनरी हमने सर्कल इमेजिन करा अलोंग दिस स्ट्रेट वायर, और हमने इस सर्कल की बाउंड्रीज के अलोंग सभी कंपासेस अपने प्लेस कर दिए. सो अभी क्या सिचुएशन है कि जो ये वायर है, देर इज नो करंट इन दिस वायर, नो करंट. सो जब वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अगर आप ध्यान से यहां पे देखो, सो आप नोटिस करोगे कि जो कंपास हैं, इनकी जो निडल है, दैट निडल इज पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, 1, 2, 3 एंड 4.
सो जितने भी फोर के फोर कंपासेस हैं, इनकी निडल कैसे पॉइंट आउट कर रही है? इन द सेम डायरेक्शन. सो अब हमने क्या करा, नाउ मेक द करंट टू पास थ्रू द वायर. इस वायर के अलोंग हमें क्या पास करना है? करंट. सो लेट सपोज मैंने यहां पे एक और प्लेन ड्रॉ करा ऑफ द सिमिलर काइंड, जिसमें हमारी ये वायर है. सो सिमिलरली इसके अलोंग भी एक कंसेंट्रिक सर्कल हमने इमेजिन करा, और इस वायर के थ्रू हमने क्या फ्लो करवा दिया? करंट आई. सो अब जो हमारे कंपासेस हैं, लाइक दिस, जो उनकी निडल है, दैट विल गोइंग टू डिफ्लेक्ट. वाई? बिकॉज जैसे हमने इस वायर के अलोंग करंट फ्लो करवाया, अ मैग्नेटिक फील्ड केम इन टू पिक्चर. सो मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुआ, दैट द कंपास निडल विल डिफ्लेक्ट एंड इट इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन व्हाट? इन द डायरेक्शन टेंजेंट टू दैट सर्कल. ये जो इमेजिनरी सर्कल था, इसके अलोंग जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी या होती, उसी डायरेक्शन में हमारी कंपास निडल पॉइंट आउट करने लगी. वाई सो? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी ऑफ द कर्व सरफेस इज द टेंजेंट टू दैट सरफेस. सो व्हाट हैपन व्हेन करंट पास थ्रू द वायर the needle of the compass deflects in the direction of direction of what? Direction of tangent to that circle. So इससे हमें क्या पता चला? That इससे हमें यह पता चला that when your current, जब भी हमारा current एक straight carrying conductor के along, जो कि एक wire है इस case में, flow करता है, तो उसके along जो भी magnetic field generate होती है in the plane, That is in the form of concentric circle. और concentric circle हमने कैसे verify करा? By this compass over here. So जो compass needle थी, that will deflect in the direction tangent to the circle curve. So that's why we get to know about this, that our magnetic field is in the form of concentric circles. Okay? So this is the whole experiment about that. Okay? So I hope कि आपको clear होगा. अब हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल के बारे में. नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइट हैंड थंब रूल. अब तक हमने ये डिस्कस करा कि एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें के थ्रू करंट फ्लो कर रहा हो, उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कैसे जनरेट होगी या किस वे में एक्ट करेगी. सो हमें इतना पता चला कि जब भी किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं, तो सो जो हमें मिलता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिसमें कि जो कंडक्टर है वो कहां लाए करता है? एट द सेंटर ऑफ द प्लेन. सिमिलरली अब हमें बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का तो पता चल गया, अब हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी. दैट वी विल गेट टू नो फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल. It tells about the direction of magnetic field. कि हमारी magnetic field basically कैसे और किस कैसे act करेगी और किस direction में act करेगी. Okay? Imagine that you are holding a current carrying straight line. मान लीजिए आपने एक current carrying straight conductor को पकड़ रखा है in your right hand. और किस किधर? In your right hand. And thumb is stretched. And your thumb is stretched like this. You have to stretch your thumb along the direction of current. Then
योर फिंगर विल ऑटोमेटिकली पॉइंट और रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेट्स सपोज इस डायग्राम के थ्रू अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हमारा जो कंडक्टर है जो हमारा करंट है वो इस कंडक्टर में अपवर्ड मूव कर रहा है. इस कंडक्टर के अलोंग कैसे मूव कर रहा है? अपवर्ड. देन यू विल गोइंग टू मेक योर राइट हैंड लाइक दिस, ओके, एंड रैप योर फिंगर लाइक दिस. सो इससे हमें क्या पता चला? योर थंब विल ऑलवेज गोइंग टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. जो आपका थंब होगा वो कहां पॉइंट करेगा? हमेशा द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो यहां पे हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? अपवर्ड्स. सो हमारा थंब रहेगा अपवर्ड्स. और जो आपकी फिंगर है दैट यू हैव टू रैप. रैप मीन्स यू हैव टू फोल्ड. आपको अपनी फिंगर्स यूं मोड़नी है लाइक दिस. सो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स मूव करेंगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो जो हमारा करंट था वो ऊपर मूव कर रहा था. सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाउ? इट इज एंटी क्लॉकवाइज. इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज. अगर यही केस में अगर आप लोगों को बोलूं इमेजिन करने के लिए जब हमारा करंट डाउनवर्ड मूव करेगा तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? द प्रोसीजर विल रिमेन द सेम. यू हैव टू यूज योर राइट हैंड ओनली. सो करंट कैसे मूव कर रहा है? डाउनवर्ड्स. सो थंब कैसे मूव होगा हमारा? डाउनवर्ड्स. एंड यू हैव टू रैप योर फिंगर्स. सो नाउ इट इज मूविंग क्लॉकवाइज. सो अगर हमारा करंट नीचे फ्लो कर रहा होता है इस कंडक्टर में देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज. सो ये जो राइट हैंड थंब रूल है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए दैट बिकॉज इससे हमें क्या पता लगता है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा दैट जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. And indirectly proportional to, or you can say indirectly or inversely proportional to the direction or to the distance from the center. इससे हमारा मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट से हमारा यहां पे ये मतलब है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के. अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर में या वायर में अगर मैं अपना अमाउंट ऑफ करंट जो भी इसमें फ्लो कर रहा है वो बढ़ा देता हूं सो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ जाएगी. लेट्स सपोज अगर मैं आई बढ़ा देता हूं सो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. अगर मैं आई कम करूंगा करंट कम करूंगा कंडक्टर में सो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी. कम और ज्यादा हम कैसे पता लगेंगे? मतलब कम और ज्यादा से हमारे यहां पे मतलब क्या है? मतलब मेरा मतलब यहां कहने का ये है कि अगर मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट बढ़ाता हूं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी जिससे कि हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी बढ़ जाएंगे और वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं अगर हमें बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? सो आप बोलोगे सर हमको इस कंडक्टर में करंट जो भी फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा. ठीक बात. अगर सिमिलरली इसी केस में अगर मुझे रिड्यूस करना है करंट, रिड्यूस करने के लिए या तो मैं करंट कम कर सकता हूं तो उससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड
रिड्यूस हो जाएगी। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करना है इसी केस में, सो आप बोलोगे सर अगर हम करंट कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। सही बात है, बट इस मैग्नेटिक फील्ड का करंट के अलावा भी एक और रिलेशन होता है जो कि होता है डिस्टेंस से, और वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर। जितना डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैं बढ़ाऊंगा उतनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। इस चीज को समझने के लिए आप सिंपली ये डायग्राम यहां पे देखिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस वाले सर्कल की ज्यादा होगी, लेट्स नेम इट एज सर्कल वन, और सबसे बाहर वाले को दे देते हैं नाम सर्कल टू। सो अगर मैं आपसे लोगों से पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कल वन की सबसे ज्यादा होगी या सर्कल टू की ज्यादा होगी, या मैं अगर मैं और अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कल वन की है वो स्ट्रॉन्गर है या सर्कल टू की स्ट्रॉन्गर है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बोलेंगे कि सर हमें जो यहां डायग्राम से दिख रहा है उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि जो सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल नंबर वन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा या फिर आप कह सकते हैं ज्यादा स्ट्रांग होगी इन कंपैरिजन टू कंसेंट्रिक सर्कल नंबर टू। क्यों? क्योंकि ये जो कंसेंट्रिक सर्कल नंबर वन है ये करंट कैरिंग वायर के सबसे पास है, और इन अगर मैं और सिंपल वर्ड से बोलूं तो ये सेंटर के और पास है। सिंपली जो हमारा सर्कल नंबर टू है जो कि सबसे आउटर मोस्ट कंसेंट्रिक सर्कल है वो सेंटर से दूर है, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसकी वीक होगी इन कंपैरिजन टू द मैग्नेटिक फील्ड एट कंसेंट्रिक सर्कल वन। सो इससे हमें रिलेशन निकल के आया दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस 1/d। सो अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड कम है तो इसका मतलब हमारा डिस्टेंस ज्यादा है, और अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा डिस्टेंस मैंने कम कर दिया फ्रॉम द सेंटर, सो आप बोलोगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया यानी बढ़ गया। सो यहाँ पे हमें एक रिलेशन पता चला दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर मैं इस सब चीज को समराइज करूं यहां पे और आप लोगों से पूछूं कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर वायर में बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर अगर बढ़ानी है तो आप करंट इंक्रीज कर दीजिए, और आप करंट इंक्रीज नहीं कर सकते तो आप डिस्टेंस रिड्यूस कर दीजिए। ठीक बात। अगर मैं आपसे बोलूं अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर कम करनी है, तो आप बोलोगे सर करंट उसके अलोंग जो करंट फ्लो कर रहा है वो रिड्यूस कर दीजिए, और या तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बढ़ा दीजिए। सो इन दोनों ही केसेस में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कम या ज्यादा होगी। सो दिस इज अबाउट द राइट हैंड थंब रूल पार्ट। सो जितने भी कंसेप्ट हमने अब तक डिस्कस करे उन सभी के बेसिस पे हमारे पास यहां पे एक एग्जांपल है जो कहता है दैट अ करंट through a horizontal power line flow in east to west direction. What is the direction of magnetic field at the point directly below it and the point above it? हमको बताया गया कि भी हमारे पास एक करंट है जो कि एक कैसे फ्लो कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन में फ्लो कर रहा है, और उसकी डायरेक्शन दी है ईस्ट टू वेस्ट। अब हमसे पूछ रहा है दैट कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी जस्ट उसके नीचे और जस्ट उसके ऊपर। सो लेट्स आंसर इट। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड we use right hand thumb rule, जो हमने just discuss किया हम use करेंगे right hand thumb rule. So by that if
आर करंट फ्लो ईस्ट टू वेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिलो इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड जस्ट अबव इट इट इज फ्रॉम वेयर जस्ट उसका अपोजिट होगा इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि ईस्ट टू वेस्ट में हमारा करंट फ्लो कर रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमने कैसे फाइंड आउट करी बाय यूजिंग अ राइट हैंड थंब रूल सो जस्ट अबव और सॉरी जस्ट बिलो द वायर उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ एंड जस्ट अबव में होगी साउथ टू नॉर्थ So this is the answer for this example over here. Okay.